सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हम बात करें आज साइकस में अगले पॉइंट की। साइकस का जो टॉपिक है उसमें हमने बेसिकली रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रखा है, और रिप्रोडक्शन में हमने शुरुआती पॉइंट पढ़ लिए हैं, और आज हम पढ़ेंगे मेल गैमेट के डेवलपमेंट के बारे में। मेल गैमेट डेवलपमेंट देखिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ से हर साल, लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, वो भी 5 मार्क्स कैटेगरी के अंदर। मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन, छोटे तो क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बड़ी कैटेगरी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली बात तो हम इसको समझते हैं कि ये खुद कितने भागों में बटा हुआ है। तो हम इसको 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें तो हमने इनिशियली बात की थी कि जो ये माइक्रोस्पोर है वो बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया में। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर इनका एक निश्चित डेवलपमेंट होता है, और माइक्रोस्पोरेंजिया में एक निश्चित स्टेज तक पहुंचने के बाद में ये पॉलिनेशन दर्शाते हैं। मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया फट जाती है और ये फ्री हो जाते हैं, और उसके बाद में ये अपने टारगेट पर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर फर्दर डेवलपमेंट शो करते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं आफ्टर पॉलिनेशन डेवलपमेंट, जो कि होता है बेसिकली ओव्यूल पर। तो नेम वाइज हम कैटेगरी वाइज डिसाइड करें कि हम किस वे में इसको स्टडी करेंगे। तो ये नंबर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, पॉलिनेशन डेवलपमेंट। ये यहाँ पर नंबर 2 आपके सामने आ ही रही है पॉलिनेशन वाली स्टेप, तो ये नंबर 2 हो जाएगी। और ये हो जाएगा पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, सेकंड हो जाएगा पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, आफ्टर पॉलिनेशन डेवलपमेंट। आप इसको कैसे भी चाहें वैसे आप पढ़ सकते हैं। जहाँ तक साइकस के मेल गैमेटोफाइट की बात है, तो मेल गैमेटोफाइट की जो प्रारंभिक कोशिका हो गई है वो तो हो गई है माइक्रोस्पोर पोलनगेन। इनिशियली ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये निश्चित एज तक या निश्चित अवधि तक डेवलपमेंट दर्शाते हैं। वहाँ पर इनका आंशिक विकास होता है, यहाँ पर आंशिक विकास रहेगा, और उस विकास के बाद में ये पोलिनेटेड हो जाएगी और फाइनली यहाँ इट मीन्स ओव्यूलर पहुँच कर। तो एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में इन तीनों हेडिंग का यूज़ करते हुए उसका उत्तर देना है। तो आप पहला हम पढ़ेंगे परागण पूर्व विकास, पोस्ट प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, परागण पूर्व विकास, परागण पूर्व विकास, ये हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा नंबर 1। माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर अगर देखें तो बड़ी आसान सी स्ट्रक्चर है। शुरुआत में ये एक छोटी सी रचना है, और इसके ऊपर एग्जाइन का आवरण है, ये एग्जाइन हो गई इसकी, ये हम जानते हैं। ये इंटाइन है, इंटाइन, और एक न्यूक्लियस है, ये है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर की संरचना बेसिकली असंख्य माइक्रोस्पोर यहाँ पर निर्मित होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर और डेवलपमेंट दर्शाते हैं। तो जहाँ तक हम बात करें, पहला जो डिवीजन होगा वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही शुरू हो जाएगा। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये डेवलपमेंट शुरू करेंगे और वहाँ पर ये डिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो डिवीजन है वो अनइक्वल प्रकार का होगा, और यहाँ पर इनके अंदर 2 सेल बन जाएगी, एक छोटे आकार की सेल जिसको हम प्रोथीलियल सेल कहेंगे, और एक बड़े आकार की सेल जिसको हम एंथ्रीडियल सेल कहेंगे, एंथ्रीडियल सेल, ठीक है। और यह है प्रोथीलियल सेल, प्रोथीलियल सेल,
ये माइक्रोस्पोरेंजिया की आवरण, बड़ी सेल है, लार्ज सेल है। अब फिलहाल इसकी कंडीशन हो गई है टू सेल स्टेज, दो सेल की, और उसके बाद में फर्दर जो प्रोथीलियल सेल बनी है उसका सीधा सीधा बता दूं कि ये विभाजन नहीं करती, डू नॉट डिवाइड, आगे चलकर ये कोई डिवीजन नहीं करेगी, आपको ये ध्यान रखना होगा। और अब एंथ्रीडियल सेल फिर से डिवीजन करेगी, एंथ्रीडियल सेल जो है उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट होगा और फर्दर डेवलपमेंट के द्वारा ये फिर से दो सेल बनाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर जो छोटी सेल है जो पहले से ही है वो तो प्रोथीलियल सेल थी, ये प्रोथीलियल सेल अब दो सेल नहीं बन गई, जिनमें जो बड़े आकार की सेल है वो तो है ट्यूब सेल, ट्यूब सेल, और जो छोटे आकार की सेल है वो है जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। माइक्रोस्पोर की डायग्रामेटिक स्थिति इसी प्रकार की रहेगी, उसमें कोई खास चेंज नहीं आना है। ये हो गया आपका मैच्योर एंड पार्शली मैच्योर माइक्रोस्पोर। ये जो डेवलपमेंट है यहाँ पर जिसमें आपको तीन सेल दिख रही है, ट्यूब सेल, जनरेटिव सेल और प्रोथीलियल सेल, यहाँ तक का विकास माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है, इसीलिए इसको परागण पूर्व विकास कहते हैं। ये एक थ्री सेल स्थिति है, इस जगह पर आते आते माइक्रोस्पोर फ्री होते हैं। कैसे होते हैं? तो नंबर एक स्टेप में यहाँ तक का है, आप लिखेंगे थ्योरी के अंदर कि माइक्रोस्पोर सिंगल स्टेज स्थिति से थ्री सेल स्थिति में आ जाएगा। थ्री सेल स्थिति में पहले दो सेल स्थिति बनेगी, इसके अंदर एंथ्रीडियल और प्रोथीलियल, उसके बाद में प्रोथीलियल सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाएगी, ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल, और यहाँ पर आने के बाद में इनके अंदर डिहिशेंस हो जाएगा और ये फट जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना इसी का है, नंबर दो पॉइंट है पॉलिनेशन, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, अभी मैं बता दूँ आपको। सेकंड पॉइंट आ जाएगा पॉलिनेशन, परागण, पहला था परागण पूर्व विकास, अब आ गया परागण। जो मेल कौन होते हैं उनके अंदर जो माइक्रोस्पोरोफिल होती है वो एक्सिस की लंबाई बढ़ने से उनके बीच में गैप आ जाता है, गैप प्रोड्यूस। बेसिकली ये काम मार्च के लास्ट में होता है और यहाँ पर गर्म हवाओं की एंट्री हो जाती है, हॉट एयर, जिसकी वजह से पत्तियों के जो निचली साइड में माइक्रोस्पोरेंजिया के झुंड लगे हुए हैं वहाँ पर ये जो हाइग्रोस्कोपिक आर्द्रता ग्राही रोम हैं वो सिकुड़ते हैं और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये फट जाती हैं और सारे माइक्रोस्पोर जो कि थ्री सेल्ड माइक्रोस्पोर है, याद रख लेना, साइकस में फ्री होते समय माइक्रोस्पोर के अंदर कोशिकाओं की संख्या कितनी है, थ्री सेल्ड स्थिति है, थ्री सेल्ड कंडीशन है, फ्री हो जाते हैं और ये वायु परागण द्वारा, बाय एयर पोलिनेशन, पोलिनेशन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो ये हुई सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने देखा कुछ भी याद करने लायक नहीं है, सीधा साधा थ्योरी आपको याद रखनी चाहिए कि जो माइक्रोस्पोर जिसके अंदर थ्री सेल्ड स्थिति वाले माइक्रोस्पोर हो बन चुके हैं वो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होते होते परिपक्व हो जाते हैं। इस वक्त मेल कोन का आकार बढ़ता है तो दो जो नज़दीकी माइक्रोस्पोरोफिल है वहाँ पर गैप बन जाता है, इन गैप में गर्म हवाएं प्रवेश करती है, प्रवेश करने से ये जो हाइग्रोस्कोपिक रोम है वो सिकुड़ जाते हैं जिसकी वजह से ये मेगास्पोरेंजिया जो है, ये मेगास्पोरेंजिया सॉरी माइक्रोस्पोरेंजिया मेगानी माइक्रो स्पोरेंजिया वो फट जाती है, सारे माइक्रोस्पोर फ्री हो जाते हैं। ये माइक्रोस्पोर हवा के द्वारा बाय एयर पोलिनेशन फिक्स है, एयर पोलिनेशन द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन तो चल ही रहा है, छोटे क्वेश्चन में क्या आता है, साइकस के माइक्रोस्पोर फ्री होते समय कितनी कोशिकीय अवस्था में होते हैं, तीन कोशिकीय अवस्था में होते हैं आपके सामने। जिम्नोस्पर्म, साइकस या पाइनस में कौन सा परागण पाया जाता है, एयर पोलिनेशन पाया जाता है। तो ये दो पॉइंट हमारे हुए पहले वीडियो में,
इसको हमने दो भागों में बांटा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई दुविधा हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।